हेलो नमस्ते सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आई नो बहुत दिन बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअल में टू बी रियली ऑनेस्ट इतने दिन कुछ था नहीं ज़्यादा करने को, और मैं बोलते ना जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग वीडियो नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोलते ना कुछ भी दिखाऊँ और कुछ भी कंटेंट नहीं रहे और बस मैं ऐसे ही वीडियोज़ बना के डाल दूँ, तो इसलिए मैं नहीं डाल रहा था। तो मैं सोचा कि बहुत दिन हो गए तो आज डालता हूँ। और अभी तो जैसा लॉकडाउन का भी सीन ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, एक हफ्ते में कम्प्लीटली चला जाएगा होपफुली। तो अब होपफुली मैं एकदम रेगुलर रहूँगा, क्योंकि फिर बहुत सारा बोलते ना एक बार लॉकडाउन हट जाएगा तो बहुत स्कोप बढ़ जाता है वीडियोस बनाने का, और मैं इसका ही वेट कर रहा था। तो अब से मैं ज़्यादा ट्राई करूँगा, एटलीस्ट हफ्ते में 2 वीडियो तो डाल ही दूँ, या फिर अगर जो भी ज़्यादा अच्छा रहा तो जितने हो सके उतने वीडियो डाल दूँ। और आज का भी मैंने इसलिए सोचा था कि आज मुझे बहुत सारे काम है। एक्चुअल में अभी 12 बजे, आज मैं जल्दी उठ गया था, और अभी मुझे सबसे पहले बैंक जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर मेरे को पेट्रोल पम्प जाना है पेट्रोल भराने बाइक में, फिर बाइक का PUC निकलवाना है, और फिर बाइक का ये भी सीट सही करवाना है जो बच्चों ने फाड़ दिया था, कम्प्लीटली पूरा ख़त्म कर दिया है अभी तो उन लोगों ने, तो वो सीट चेंज कराना है क्योंकि ऑलरेडी बारिश आ चुकी है मुंबई में, जैसे आनी वाली है 2 दिन, कल परसों बहुत ज़्यादा हुई थी, तो इसलिए सीट करवा लेना है सही अभी मुझे। और उसके बाद मुझे प्रिंसी का कुछ पार्सल भी आया घर पे, तो वो भी लेके जाना है प्रिंसी के घर पे देना है। तो अभी के लिए तो लिस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं कहा चलिए बना लेते कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो हो ही जाएगा, और उसके बाद घर पे तो मम्मी और उसी का टाइम पास कर ही लेंगे। और अभी मैं अपनी चाय पी रहा हूँ, मेरा नाश्ता हो चुका है, तो चलिए फटाफट चाय ख़त्म करते हैं और उसके बाद निकलते हैं। तो मुझे निकलते निकलते बहुत लेट हो गया, अभी अराउंड 1:30 बजे रहे, मैं 12 बजे निकलने वाला था, मगर फिर कुछ थोड़ा काम सी है जैसे नहीं हो पाया, और प्रिंसी का पार्सल भी ले लिया है अमेजोन का। तो अभी हम PUC वाले भैया के पास आ चुके हैं। और हमारा PUC हो चुका है, बैंक का काम तो हो गया है फाइनली, चलिए एक मेन काम था वो हो गया है, और अब बस सीट बनवाना है, सीट रिपेयर करवाना है, और उसकी भी शॉप्स खुली थी अभी आ गई, बस धूप बहुत ज़्यादा है यार, तो चलिए अब बस सीट का करवाते हैं और फिर उसके बाद प्रिंसी आ जाएंगे और पेट्रोल सबसे लास्ट में भराएंगे घर जाते टाइम। देखिए बच्चों ने ये हाल कर दिया था और ये भी वही हो गया, और जो अंदर थोड़ा खड्डा है उसमें ये भर दोगे थोड़ा। तो ये इसका क्या चार्ज है? ये वाटर प्रूफ है, तो इसके बाद लेमिनेशन नहीं करना पड़ेगा, आपके ऊपर लेमिनेशन करेंगे तो क्या एक दिन का लाइट बढ़ जाता है। और ये देखिए भाई ने शटर बंद कर दिया, और मैं बाहर गर्मी में खड़ा हूँ, देखता हूँ कितना टाइम लगेगा इनको, उसके बाद फिर डायरेक्ट प्रिंसी के घर जाते हैं। और मैं बाहर था तो भाई आया, मेरे को बोले बाहर क्यों गर्मी में खड़े, तो उन्होंने मेरे को अंदर बिठा दिया मस्त पंखे में, और वो भी अपना काम कर रहे हैं जैसा आपने देखा, और देखते कितना टाइम लगता है, उसके बाद फिर फटाफट प्रिंसी के घर पे जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2:30 बज चुका है अभी, फिर खाना भी खाना है यार। क्या बोल रही हो? तो ये देखिए, ये नहीं मैं आ गया हूँ, इन्होंने अपना पार्सल ले लिया है, अमेजोन डिलीवरी बना के रखा है मुझे। अपने घर पे ऑर्डर किया करो ना। नहीं मैं तुम्हारे घर पे ही करना था कि तुम मुझे ला के दो, और फिर मेरा बदला पूरा हो सके, मेरा क्या स्ट्रेटजी कंप्लीट हो सके। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, मेरा प्राइम अकाउंट है इसलिए ऑर्डर करती है एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, और कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, यू कैन से दैट, डिलीवरी चार्जेस फ्री होते हैं, यू कैन से दैट। मेरे को देखना तुमको खाना बनाते हुए, क्या करोगे देख के बना सकोगे? ओ लॉल, तुमसे तो अच्छा ही बना पाएंगे, एटलीस्ट हमको चाय बनाना, ऑमलेट बनाना, मैगी बनाना आता है, तुमको तो गैस चालू करना नहीं आता है। मुझे भी चाय बनाना आता है, मुझे सैंडविच बनाना आता है, मुझे मैगी बनाना आता है, मैं उपमा बना सकती हूँ, मैं पोहा बना सकती हूँ, मैं साबुदाने की खिचड़ी बना सकती हूँ। तुम बस बेवकूफ बना सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, और कुछ सारी चीजें बनाती हूँ। और मैं क्या बना सकती हूँ, मैं पास्ता बना सकती हूँ, बहुत टेस्टी बनाती हूँ, नूडल्स बना सकती हूँ, बस फिलहाल इतना ही। इनमें से ये 2 चीज भी नहीं बना सकती है, ट्रस्ट मी, छोटी थी ना तो मैंने कुछ दो बार चाय बना के दी तो बॉर्नविटा के कलर का था, बॉर्नविटा दूध में नहीं मिलाते, कलर नहीं हो जाता,
तुमने फिर मुझे बोला भी था कि कौन सा कलर का चाय है, तुम्हारा भी पी लो यार, बट अभी आता है मुझे बनाने। उसके बाद से मैं आज तक इसके हाथ का कुछ पिया ही नहीं। मैं बनाती नहीं हूँ बिकॉज़ मैं खुद नहीं पीती, तो मुझे बनाने का मौका भी नहीं मिलता, लेकिन मैं बना सकती हूँ। नहीं बना सकती, मैं बना सकती हूँ। आप इनकी बात मत सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप इनकी बात मत सुनिए, मैं बना सकती। तुम्हारी बात ही लोग क्यों सुनेंगे? क्योंकि दे लव मी, आप लोग मुझे प्यार करते हैं ना, इनसे ज्यादा करते हैं ना, तो मेरी बात सुनिए, मेरी बात मानिए। बाय द वे मैं 12th पास हो गई, सो कांग्रेट्स मी। इतना मेरे को खुशी हुई ना, इतनी खुशी हुई ना, क्योंकि ये बोलते ना अब अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं वो नहीं पता, मगर 12th पास इसीलिए हो पाई क्योंकि गवर्नमेंट ने पास कर दिया। एक सेकंड, जो भी है मैं पास तो हो गई ना, पढ़ाई तो ये करती नहीं थी। लाए, 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 मैं सब कुछ पढ़ चुकी थी, सिर्फ इकोनॉमिक्स को छोड़ के बाकी सब हो चुका था। कैसा लग रहा है यार बिना मेहनत के पास होना? मतलब पता नहीं, मैं कंफ्यूज हूं कि मैं खुश हूं कि दुखी हूं, नहीं पता। क्योंकि यार लोगों कैसे ऐसे हम लोग इतना 12th में मैंने इतना मेहनत किया था ना, तब जाके मुझे 67% आया था। इतना मेहनत, as if 24 घंटे पढ़े होंगे, इतना मेहनत। ओ आर्ट्स वाले साइंस, शो सम रिस्पेक्ट। ओ माय गॉड, अभी तुमने क्या बोलेंगे YouTube को, सोशल प्लेटफॉर्म पे डिफेम किया है आर्ट्स को। दिस इज सो रॉन्ग। मैंने डिफेम नहीं किया, बट तुम आर्ट्स और साइंस में फर्क है। बट हाउ कैन यू कंपेयर टू स्ट्रीम्स? साइंस अपने जगह पे बहुत अच्छा, आर्ट्स अपने जगह पे बहुत अच्छा। मैंने अच्छी बुराई की बात ही नहीं की। एक सेकंड, हाउ ऑन अर्थ कैन यू कंपेयर टू स्ट्रीम्स? मैं कोई चीज समझ नहीं आई। अच्छा बुरा का बात ही नहीं था इसमें, इसमें मैंने बोला जो भी है आर्ट्स में इतना पढ़ना नहीं रहता जितना साइंस में पढ़ना आता। तुमने आर्ट्स थोड़ी पढ़ा है। आर्ट्स भी पढ़ा हूं, मास मीडिया। नहीं, मैंने साइंस आर्ट दोनों किए तो मेरे को पता है, और कंपेयर तो कर नहीं सकते। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स देयर इज नो कंपैरिजन, क्योंकि दोनों अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। साइंस के बाद देखो इंजीनियरिंग बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, तो थोड़ा तो फर्क है ना। मतलब ये कि साइंस बेस्ट स्ट्रीम है और ये लॉजिकल है। लेकिन अगर किसी को मीडिया फील्ड में जाना है तो ऑफ कोर्स वो आर्ट्स करेगा ना। हाँ, तो मैंने कब मना किया? इम्पोर्टेंट है, मगर अगर इंजीनियर्स नहीं रहे, डॉक्टर्स नहीं रहे, साइंटिस्ट नहीं रहे, एंटरटेनर्स नहीं रहे, लोगों की जिंदगी खत्म हो जाएगी ऐसे तो जी सकते हैं। एक मिनट, एक मिनट, ये कौन सा लॉजिक है कि एंटरटेनर नहीं रहे तो लोगों की जिंदगी खत्म हो जाएगी? ये देखिए, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, जर्नलिस्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो अब तुम ये सब बात की ना, अब लोग खुद ही समझ जाएंगे तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। जर्नलिस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइक इम्पोर्टेंट है, मगर तुम्हारा जो वो पॉइंट था ना, इसने क्या पॉइंट बोला, अगर एंटरटेनर नहीं रहे तो लोग मर जाएंगे। अरे बिकॉज एंटरटेनमेंट भी लाइफ का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है, मगर अगर नहीं रहा तो इससे मतलब ये नहीं कि लोग मर जाएंगे, जी सकते हैं, मगर डॉक्टर नहीं रहा, कोई बीमार हो गया तो मर जाएगा। और आज से सिर्फ एंटरटेनर्स ही आगे नहीं जाते, आज में और भी बहुत सारे वेरियस फील्ड, साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, वही मैं अभी समझा रहा हूं। नहीं नहीं, हां साइकोलॉजिस्ट, नहीं इसका साइकोलॉजिस्ट, आज 2020 और 2021 में साइकोलॉजी को, मेंटल हेल्थ को इतना ज्यादा प्रायोरिटाइज किया है, तो व्हाट अबाउट साइकोलॉजी? अब बोलो, साइकोलॉजिस्ट भी तो आर्ट से बनते हैं। हां एक चीज ना, बट वो एक चीज भी कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी बड़ी है। मैंने कभी मना ही नहीं किया कि इंपॉर्टेंट नहीं है आर्ट्स। मेरे कहने का मतलब है साइंस अपने जगह इंपॉर्टेंट, आर्ट्स अपने जगह इंपॉर्टेंट, हां मगर साइंस थोड़ा ऊपर है। नहीं, दोनों जगह को कंपेयर, ये बस इसलिए कर रही है कि आर्ट्स की स्टूडेंट है और कुछ नहीं, दोनों को कंपेयर करना गलत है। आप लोग में से भी बहुत लोग एग्री करेंगे, आर्ट्स नो डाउट अच्छा है, मैं खुद आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ और मैं साइंस का भी स्टूडेंट हूँ, तो बेचारे कॉमर्स वाले वो कितना लेफ्ट आउट फील कर रहे होंगे तुम्हारे, हमारे आर्ट्स और साइंस के झगड़े में। भाई सब अच्छा इक्वल है, ये देखे देखे, यही होते हैं आर्ट स्टूडेंट्स के साथ ना, ये आर्ट वालों के साथ मुंह ही नहीं लग सकता इंसान। हम जीत जाते हैं हमेशा, बिकॉज़ वी आर सो गुड एट डिबेटिंग। मैं जीत गई, ये बताऊं क्यों जीतते हैं? मैं जीत गई क्योंकि इनके पॉइंट्स इलॉजिकल रहते हैं। ओ प्लीज, और साइंस में लॉजिक सिखाया जाता है। एक सेकंड, आप लोग प्लीज ये वीडियो का ये पूरा क्लिप देखिए और फिर नीचे कमेंट करके बताइए कि कौन इलॉजिकल या लॉजिकल था। मेरे हिसाब से हम दोनों ही लॉजिकल थे अपने पॉइंट्स को लेकर। तो तुम्हारे कहने का मतलब आज इलॉजिकल होता है और आज लॉजिक नहीं बताता है, यू जस्ट सेड दैट तुम इलॉजिकल हो। ओ गॉड, मैं जीत गई, मैं जीत गई, बोल रही थी, मैं जीत गई, तुम इलॉजिकल हो, मैं जीत गई, मैं
जीत गए, यू आर जस्ट जेलस। अच्छा ये सब छोड़ो, क्योंकि छोटे होने के बाद आल्सो आई एम बीटिंग यू, इसलिए यू आर जेलस। ये देखो इसका ये, मैं कितनी छोटी हूं बाय द वे, 10 साल 11 साल, हम 30 साल के हैं। अरे बट यू आर 26, तुम 18, आई एम 17, आई टर्न 18 अभी 4-5 दिन में ना, 5 महीने, सॉरी मेरे को बर्थडे याद नहीं है इसका। किसके बर्थडे से याद नहीं रहते हैं, डिफॉल्ट है मेरे को किसके बर्थडे से याद नहीं रहते, मेरे को कोई ना कोई हमेशा याद दिलाता है, स्पेशली मेरे को आरिफ याद दिलाता है। किसी भी फ्रेंड का बर्थडे रहे, आरिफ का सुबह या रात को मैसेज आ जाएगा, भाई इसका बर्थडे विश कर देना। और ये देखिए अभी से बर्थडे के लिए इतना एक्साइटेड है ना ये, क्योंकि मेरा 18th बर्थडे है। क्या पता इनको बर्थडे का क्या ही ऐसा रहता है इतना। मेरे को बहुत एक्साइटमेंट होती है हर बर्थडे के लिए, ये टाइम थोड़ा ज्यादा है मे बी बिकॉज 18th बर्थडे सबके लिए बहुत बड़ी सी चीज होती है, तो मेरे भी है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन माय बर्थडे। पता एकदम ऑपोजिट है मेरी, मेरे को लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ मैं बर्थडे में। सबको पता है कॉन्सेप्ट कभी समझ नहीं आता इनके बर्थडे पे, मैं इनको हाइप करते हुए हाइप होते नहीं है, आई एम लाइक क्या ही है यार अपने बर्थडे पे कोई एक्साइटेड कैसे नहीं हो सकता। मैं बहुत लोग होते हैं, बहुत लोगों के साथ लाइक जैसे हम, मेरे लिए तो ऑब्वियसली इट्स अ नॉर्मल डे कि हाँ ठीक है बर्थडे है, एक केक काट कर देंगे और कुछ इतना ज़्यादा होता नहीं है मेरे पर्सनली मुझे, बाकी ये लोग एक अलग प्रजाति के हैं ये लोग। स्पेशल डे मेरे को ऐसा लगता है, क्वीन फॉर दैट डे, बहुत अच्छा लगता है, अटेंशन मिलता है सबका। स्टॉप इट, मैं बहुत खूबसूरत दिखती हूँ, ऑफ कोर्स दी लगती हूँ मैं, आप लोग मेरे बर्थडे में अगर व्लॉग बनेगा तो देखना और फिर बताना मैं खूबसूरत लगती हूँ। नहीं ऐसा व्लॉग व्लॉग कुछ नहीं बनने वाला इसके बर्थडे का। हेलो बाय प्रिंसेस, बाय बाय। तो आज के सारे काम हो चुके हैं, बस पेट्रोल नहीं भरा है मैंने क्योंकि लेट हो रहा था, 4 बज गया है, मम्मी का कॉल भी आ रहा था, लंच नहीं किया हूँ, तो इसलिए बस पेट्रोल अब मैं कल भराऊंगा, अभी के लिए है बाइक में, बाकी सब काम हो चुके हैं। तो चलिए अब घर चलते हैं और देखते हैं मम्मी क्या कर रहे हैं, मम्मी ने खाना क्या बनाया आज। हो गया और रसी, और ये हमारा खाना आ चुका है, चने की दाल बनाई आज मम्मी ने, अब हम खाएंगे। और आरिफ आ चुके हैं अभी, व्हाट इज दैट, ये किटकैट है ग्रीन वाला, घुमाओ नहीं ग्रीन किटकैट। अच्छा छुपा के लिए ग्रीन किटकैट, अरे तो खत्म हो जाएगा ना भाई, ओ देखने से खत्म हो जाएगा, तो मांग लोगे तो खत्म हो जाएगा, देखो पता है मैं किटकैट नहीं खाता है। Caught on camera. अबे तो अब सबको बताते रहना क्या था वो। अरे पर एक मिनट है। तो अभी जस्ट हम नीचे उतरे, बहुत टाइम बाद, अब लॉकडाउन खत्म हो गया तो हमारा ऐसा होते ना 20-25 मिनट तो हम नीचे बैठ ही सकते हैं, अब थोड़ा चिल करेंगे। आरिफ आ चुके हैं, कुछ बोलना चाहोगे? अरे पहली बार हेलो बोला। और हम चाय पीने आ गए, बस अब चाय पियेंगे, थोड़ी टाइम बाद घर चले जाएंगे। बहुत आवाज़ आ रही है, मतलब हवा बहुत हवा हो रही है, बहुत अच्छी चल रही है हवा अभी तो। और मम्मी, बहुत दिनों बाद हाय हाय बोल दो यार, कितने टाइम बाद लोगों से बोल रहे हो, कितने टाइम बाद व्लॉग बन रहा है। लोग बहुत मैसेज कर रहे थे कि व्लॉग नहीं आ रहा है, व्लॉग नहीं आ रहा है, तो अब से अपन ट्राई करेंगे ज्यादा व्लॉग बनाने का, बना के डालना चाहिए ना, बताना चाहिए ना लोगों को, तब प्यार है तभी तो पूछते हैं ना, तो उन लोग का ख्याल रखना चाहिए ना, डालना चाहिए ना, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सब बताने का, अब से अपन कोशिश करेंगे। और तुमको भी लास्ट वीडियो पे बहुत लोग विश किए थे, थैंक यू बोल दो सबको, थैंक यू सबको, थैंक यू। और वो सब लोग खोजते हैं ना, अभी क्या एक फैमिली जैसे हो गए, तो लोगों को भी तो ऐसा लगता है ना कि देखने को मिले क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सब पता हो।
लॉकडाउन है, सब लोग घर में ही है, तो जो घर का है वही करते हैं, वही डालते हैं, वही बताते हैं अपने दोस्त लोग को कि ये किए वो किए घर में बैठे हैं ऐसा। यार तुम क्या कर रही हो? ये धनिया, ये धनिया हरा धनिया तोड़ रही हूँ, इसके लहसुन और सब डाल के इसकी ग्रीन चटनी बनाऊंगी। और इनको देखो, ये नीचे से आए हैं तो एकदम थक गए हैं, ये खाना होना खा के और एकदम थक गए और लेट गए अभी। तो जैसा मम्मी ने बोला आपसे पूरा ट्राई करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग्स दे पाऊँ आपको। एक्चुअल में अभी थोड़ा आलसी पड़ जाता हूँ और अभी से मैं कोशिश करूँगा कि हर अल्टरनेट डेज को नहीं, हर दो तीन दिन में एटलीस्ट एक ब्लॉग आए। तो होपफुली अब से मैं रेगुलर हो जाऊँगा फाइनली। मैं आई नो मैं दो तीन बार बोल चुका हूँ और अब तक नहीं हुआ, मगर फाइनली मैं हो जाऊँगा। और वैसे वैसे जैसे जैसे मैं ब्लॉग्स बनाऊँगा ऐसे ऐसे आपको दिखाऊँगा और कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा हो सके, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कंटेंट और क्वालिटी और बाकी सब भी दे दूँ। और इस वीडियो के लिए इतना ही था क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 9 बज गए हैं, तो अभी मैं कुछ ज़्यादा करने भी नहीं वाला हूँ, खाना खा के बस अड्डे पे जाऊँगा। तो ऐसा कुछ और है नहीं दिखाने को आज के दिन में। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट करके बताइए आपको क्या अच्छा लगा और आपको अगला व्लॉग कैसा देखना है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए फॉर मोर अपडेट। मैं मिलूंगा आपको एक दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बी हैप्पी।